आप देख पा रहे हैं इंडियन कॉमन कुकरी स्नेक जो कि हम यहाँ पे रिलीज करने आए हुए हैं अपने ही खेत में, क्योंकि ये स्नेक पूर्ण रूप से निर्विष होता है और छोटे छोटे कीड़ों को खा करके अपना जीवन व्यतीत करता रहता है। और ये जहाँ तक कि मिट्टी में जिस मिट्टी में खाद मिली हुई होती है, गोबर की खाद मिली हुई होती है, उसी में रहना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और स्नेक पूर्ण रूप से निर्विष होता है, इसके अंदर कोई जहर नहीं पाया जाता है। स्नेक रेस्क्यू हुआ रामापुर भैंसा निवासी विष्णु दत्त मिश्रा जी के यहाँ से स्नेक रेस्क्यू हुआ, जिसे हम यहाँ पे रिलीज करने के लिए आए हुए हैं। और ये जहरीला होता तो इन्हें हम फॉरेस्ट में रिलीज करते, किंतु ये पूर्ण रूप से निर्विष। आप इन्हें करीब से देख लीजिए और इन्हें पहचान लीजिए, इनकी खास पहचान को देख लीजिए कि स्लेटी कलर में काला काला पट्टी होता है, इसी से मेल खाता हुआ होता है। एक इंडियन कॉमन क्रैट स्नेक जो कि काले में सफ़ेद पट्टी होती है, आप देख सकते हैं ये स्लेटी कलर में काला काला पट्टी है और इनके चेहरे पे बी आकार बना हुआ है, ये इनकी मुख्य पहचान है। छोटी छोटी आँखें, ये खूबसूरत चेहरा। और यहाँ पर इन्हें हम रिलीज़ करते हैं, यहाँ पर जाएँ अपने आप को एडजस्ट करके आसानी से जीवन व्यतीत करें। और हम इन्हें यहाँ पर रिलीज़ करते हैं, यहाँ पर जाएँ आप देख सकते हैं कि स्नेक यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करके आसानी से जीवन व्यतीत करेगा। और दो स्नेक और भी है यहाँ पे, इंडियन कॉमन हुल्स स्नेक, खास करके गोंडावासी ने चीतर नाम से जानते हैं, और इन्हें हम यहाँ पे रिलीज करने आए हुए हैं। और ये कई मकान से रेस्क्यू हुए, इंडियन कॉमन हुल्स स्नेक, खास करके गोंडावासी ने चीतर नाम से जानते हैं। और ये स्नेक पूर्ण रूप से निर्विष होता है, किंतु काटने में काफ़ी माहिर होता है, हर क्षण काटने के लिए बेचैन होता है। अब हम इन्हें यहाँ पे रिलीज करने आए हुए हैं, अपने खेत में रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि ये पूर्ण रूप से निर्विष होते हैं। ये किसी को बाइट कर लें तो कोई समस्या नहीं होती है, हाँ अगर इंसान डर जाए तो मौत हो सकती है हार्ट अटैक से, किंतु ये स्नेक पूर्ण रूप से निर्विष होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये काटेगा, किंतु इसके काटने से कुछ होने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं स्नेक हमें बाइट कर रहा है, काट रहा है, किंतु इसके काटने से हमें कोई जहर नहीं लगने वाला, इसके बाइट करने से काटने से कोई जहर नहीं लगने वाला है। स्नेक पूर्ण रूप से निर्विष होता है, इसके अंदर कोई जहर नहीं पाए जाते। आप देख सकते हैं कि उंगुली में कितना बुरा बाइट किया, काटा है, किंतु इसके काटने से कुछ होने वाला नहीं। इसलिए आप लोगों से हमारी बार बार रिक्वेस्ट होती है कि सांपों को पहचाने और वीडियो को कंटिन्यू देखें, इससे सांप की पहचान हो पाएगी और जो हार्ट अटैक से होने वाली मौत है उसे रोका जा सकता है, किंतु सांप की पहचान होगी तभी। नहीं तो अगर इंसान डर जाए कि हाँ सांप काट लिया अब क्या होगा, तो हादसा हो जाता हार्ट अटैक के कारण। तो आप लोगों से हमारा बार बार निवेदन होता है कि अगर कोई भी स्नेक बाइट के आप नहीं पहचान पाए तो झाड़ फूँक के चक्कर में न पड़ेंगे तो आसानी से मौत हो जाएगी। तो इसलिए हॉस्पिटल का सहारा ले, मेडिसिन का सहारा ले, और अगर कोई स्नेक दिख जाता है, नहीं समझ में आता है, तो इसका फ़ोटो खींच करके हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको हम तत्काल कन्फर्म कर देंगे कौन सा स्नेक है। और कोई घबराने की बात नहीं है, ये स्नेक पूर्ण रूप से निर्विष है और ये मेल फीमेल दोनों एक ही स्थान से रेस्क्यू हुए और हम यहाँ पे रिलीज करते हैं। हमारा जंतु बचाने का कार्य अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें, चैनल में है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देकर के इस एपिसोड को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम स्नेक को अपने ही खेत में रिलीज करते हैं, यहाँ पे जाएं अपने आप को एडजस्ट करके आसानी से जीवन व्यतीत करें, निर्भय होकर के इंसानी बस्ती से दूर। स्नेक को हम यहाँ पर रिलीज करते हैं, जाएँ यहाँ पर अपने आप को एडजस्ट करके आसानी से जीवन व्यतीत करें, निर्भय होकर के। और आप देख रहे हैं हम स्नेक को यहाँ पे आजाद करते हैं, छोटे ले जाते हैं रास्ते। आप देख रहे हो यहाँ पे स्नेक जा रहा है और यहाँ पे धीरे धीरे जाके छिप गया और हम स्नेक को यहाँ पे रिलीज कर चुके हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।